सो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ विकास, और आप जैसा देख सकते हैं स्क्रीन पर, यहां पर है हमारे पास एक बॉक्स जिसके अंदर मैंने मंगाया है बुल्ट ऑडियो का हेडफोन। अब यार मॉडल की बात नहीं करते हैं, वो सारा मैं आपको वीडियो में, ये नीचे की तरफ आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में, वहां पे इसका नाम वगैरह मैंने डाल दिया है। और यार बिना ज़्यादा टाइम गवाए कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो यार अनबॉक्सिंग से पहले थोड़ा दिखाना तो बनता है कि एक्चुअल में चीज़ क्या है हम लोग के पास में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें मिलती है बुल्ट ऑडियो की ब्रांडिंग, साथ ही डिज़ाइन किस तरह का है वो थोड़ा सा यहाँ पे दिया गया है, बूस्ट और ये पता नहीं क्या मतलब है। और चलते हैं बैक साइड में। बैक साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे बॉक्स में दिए गए हैं कुछ स्पेसिफिकेशंस। अगर मैं आपको दिखाता हूँ, ये जूम करके आप देख सकते हैं, तो दिखाया गया है यहाँ पे प्राइसिंग स्पेसिफिकेशंस। हालांकि इतने ज़्यादा प्राइस में नहीं है जितना इस पे मेंशन किया गया है, वो मैं आपको बताऊँगा वीडियो के लास्ट में। और आप देख सकते हैं बाकी सारे चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, और डिज़ाइन किस तरह का है वो भी आप लोग देख सकते हैं बॉक्स पे। iOS, Android, Windows सबके साथ में कंपैटिबल है। और हाँ यार, ब्लैकबेरी उसको नहीं भूलना चाहिए, हालांकि कोई यूज़ नहीं करता है। और एक साइड में यहाँ पर दिया गया है इसका कुछ अनप्लग योर पता नहीं यार जो भी है। और इस साइड में आप लोग कुछ और चीज़ें देख सकते हैं बॉक्स पे कि क्या क्या फीचर्स हमें प्रोवाइड किए गए हैं इस हेडफोन में। तो फाइनली बिना ज़्यादा टाइम गवाए, एक मिनट ऑलरेडी हम लोग गवा चुके हैं, इसको निकाल लेते हैं बाहर। और ये टेप से एक्चुअली इसको पैक किया गया है, तो चलिए इसको टेप काट लेते हैं। और एक साइड से तो यार खुला हुआ ही है, ये नीचे की तरफ इधर लगाया हुआ है इन्होंने। तो यार बॉक्स काफी प्रीमियम सा लग रहा है, देखो काफ़ी अच्छा बॉक्स लग रहा है, मतलब ब्लैक ब्लैक सारा ऊपर भी नीचे भी। और अब देख लेते हैं मेन आइटम क्या है बॉक्स के अंदर। तो ये हमारा यहाँ पर बॉक्स खुल चुका है, थोड़ा फोकस करके दिखाऊं आपको, ये आप लोग देख सकते हो। तो बॉक्स हम लोग ने खोल लिया है, और इसका छोटा सा यूज़र मैनुअल जिसको कि अभी तो मैं फ़िलहाल नहीं पढ़ूंगा, लेकिन अगर कुछ समझ में नहीं आया, फॉर एग्जांपल हालांकि सारी चीज़ें आती हैं करनी अच्छे से कैसी हैं, तो शायद बाद में कभी ज़रूरत पड़े, तो फिलहाल अभी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। और ये इसके जो भी है, तो यार यहाँ पे हमको क्या मिलता है इसके साथ में, एक तो साथ में हमें यहाँ पर मिलता है एक छोटा सा डेटा केबल जो कि इसको चार्ज करने के लिए काम आएगा। और ये कुछ इसका वारंटी कार्ड वगैरह, उसको भी साइड में रख लेते हैं। मेन प्रोडक्ट है हमारा ये हेडफोन। तो आप ये हेडफोन देख सकते हैं किस तरह की इसकी डिज़ाइन है, थोड़ा यार दिखा लेते हैं, एक्चुअली फोकस का काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। तो आप ये देख सकते हैं किस तरह की इसकी डिज़ाइन है, ये सारी चीज़ें। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों तरफ दिए गए बुल्ट की ब्रांडिंग। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इसमें राइट लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं, अब यहाँ पे राइट लिखा हुआ है, वैसा ही दूसरे साइड में आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे लेफ्ट इस पर मेंशन किया गया है, यानी कि तो आप देख सकते हैं यहाँ दूसरे साइड में इस पर लेफ्ट मार्क भी मेंशन किया गया है। और यार बात करते हैं इसके कुशंस की, तो कुशंस काफ़ी ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है यार, बहुत ज़्यादा मुलायम, मतलब मोस्टली हेडफोन्स के होते हैं, लेकिन सच कहूँ तो इसका कुछ ज़्यादा ही है। और आप देख सकते हैं साइज़ में भी काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, और ये सीधा आपके स्कल पर फिट हो जाएंगे, ऐसा मैंने इसके रिव्यू में पढ़ा था। और एक बार यूज़ करके ज़रूर मैं इसको देखना चाहूँगा, फिट करके मैं ज़रूर देखना चाहूँगा आखिर ये कैसा है, और उसके बाद मैं बताता हूँ आपको बाकी चीज़ें। तो यार फिलहाल चेक कर लेते हैं इसकी फिटिंग्स कैसी हैं, कैसा इसका कंफर्ट है। तो यहाँ पर गौरव ने इसको वियर कर लिया है, और अब दिखाते हैं लेफ्ट साइड से, एक्चुअली मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, थोड़ा फोकस लेते हैं, तो काफ़ी अच्छे से इसने कवर कर लिया है गौरव के ईयर्स को, और ये आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी फिटिंग के साथ में है। तो अब देख लेते हैं इसको राइट साइड से। तो ये गौरव ने यहाँ पे टर्न किया, और राइट साइड से आप देख सकते हैं राइट साइड भी बिल्कुल सेम फिटिंग आपको मिल जाती है, यानी कि काफ़ी अच्छा और काफ़ी कंफर्टेबल एक्सपीरियंस आपका यहाँ रहने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे की तरफ दिए गए इसमें तीन बटन जो कि काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, जिन्हें आप अपने राइट हैंड से बहुत आसानी के साथ में एक्सेस कर सकते हैं। सर एक मुझे इसका छोटा सा डिसएडवांटेज ये लगा है, तो जब आप इसको गले में पहनते हैं तो आप देख सकते हैं ये आपके गर्दन को पूरी तरह से कवर करता है। चलिए थोड़ा जूम करके इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए इसमें आप गर्दन को नीचे नहीं कर सकते हैं, साइडों में रोटेट नहीं कर सकते हैं, ये एक तरह से आपके गर्दन को ब्लॉक कर देता है, जो मुझे इसका डिसएडवांटेज लगा है। और अब यार बात कर लेते हैं इसके कुछ फीचर्स की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ पोर्ट्स दिए गए हैं, कुछ बटन्स दिए गए हैं जो कि मैंने आपको वीडियो में दिखाए। तो यहाँ पे दिया गया एक 3.5 mm का ऑडियो जैक, इसका बेनिफिट ये है कि अगर आपका हेडफोन चार्ज नहीं है तो आप ऑक्स केबल के थ्रू इसको डायरेक्टली
प्लग एंड प्ले कर सकते हैं अपने डिवाइस से, अब चाहे आप लैपटॉप पे यूज करें या मोबाइल पे या फिर किसी भी अनदर डिवाइस पे जो भी इसको सपोर्ट करता हो। साथ ही यहाँ पर दिया गया आपको एक यूएसबी पोर्ट जिससे आप अपने हेडफोन को चार्ज कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर दिया गया एलईडी इंडिकेटर जो आपको बताता है कि कब आपका हेडफोन चार्ज हो रहा है और कब ये ऑन है कब ऑफ है। यहाँ पर रेड एंड ब्लू कलर की एलईडीज हैं जो आपको इंडिकेशन का काम करती हैं। साथ ही यहाँ पर दिए गए हैं 3 बटन जहाँ पे आप देख सकते हैं वॉल्यूम लो, वॉल्यूम अप और साथ ही दिया गया पावर बटन। हालांकि बटन सिर्फ 3 है लेकिन इनकी फंक्शनलिटी काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप इसको 1 सेकंड के लिए होल्ड रखते हैं तब ये अलग काम करेगा, 7 सेकंड के लिए करते हैं तब अलग करेगा और 3 सेकंड के लिए करते हैं तब अलग। इसके थ्रू आप यहाँ पर कॉल रिडायल कर सकते हैं, कॉल कट कर सकते हैं, असिस्टेंट को एक्सेस कर सकते हैं, साथ ही ऑन ऑफ का काम तो ये करता ही है एंड सॉन्ग को पॉज एंड प्ले भी कर सकते हैं। तो एक ही बटन के अंदर काफ़ी सारे फीचर्स हैं और बेसिकली बाकी दोनों बटन का काम सिर्फ वॉल्यूम को बढ़ाना और कम करना है। इसके अलावा अगर आपके हेड पे ये अकॉर्डिंग फिट नहीं होता है तो आप इसके साइज़ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से आप डायरेक्टली इसको ऊपर या फिर नीचे की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं जो कि आप एडजस्ट कर पाएंगे इसको अपने हेड के अकॉर्डिंग। और यार एक इसका बेनिफिट मुझे ये लगा है जब कॉलिंग के दौरान बात करते हैं तो कुछ हेडफोन्स में आवाज़ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं जाती है, तो इसके साथ में वैसा इशू बिल्कुल भी नहीं है। आपको आवाज़ बहुत अच्छी आती है सामने सुनने वाले को अगर आप हेडफोन लगाकर यूज़ करते हैं। और इसी के साथ मैं आपको यार एक डिसएडवांटेज भी बता देना चाहता हूँ, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर एजेस इसकी, फोकस करके आपको दिखा लेते हैं। तो आप देख सकते हैं जिस एजेस पे इसके कुशंस को फिट किया जाता है एक्चुअली ये ना यहाँ से काफ़ी ज़्यादा शार्प मुझे लग रहा है। तो आने वाले कुछ समय में हो सकता है 2-4-6 महीने में आपके जो कुशंस है वो यहाँ से कटना शुरू हो जाएंगे, ऐसा मुझे इस पर डाउट है। तो यार कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं कुछ बुरी हैं, अगर अच्छी चीज़ों को आप देखते हैं तो काफ़ी अच्छा हेडफोन मुझे लगा है। और कुछ माइनर सी बुराई में जैसे आप गले में इसको डाल करके यूज़ नहीं कर सकते हैं और ये इसके एजेस की अगर बात करें, इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें मुझे हेडफोन के अंदर ठीक लगी हैं। और अगर बात करते हैं साउंड क्वालिटी की तो साउंड क्वालिटी यार मैंने सुनी है खुद ने, बहुत अच्छी साउंड क्वालिटी है। और साथ ही मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था इसके प्राइसिंग के बारे में, तो यार ये मैंने मंगाया है फ्लिपकार्ट से सेल के दौरान। इसकी जो ओरिजिनल कीमत है वो है 1900 रुपये लेकिन फिलहाल मुझे ये पड़ा है 1700 रुपये में, 200 रुपये का मुझे वहाँ पर डिस्काउंट मिल गया। अब यार मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग बताया था इसकी प्राइसिंग के बारे में तो प्राइसिंग में आपको बता देता हूँ। एक्चुअली इसकी जो कीमत है वो है 1900 रुपये जो कि फ्लिपकार्ट से मैंने खरीदा था लेकिन यहाँ पर मुझे मिला था 200 रुपये का डिस्काउंट क्योंकि मैंने इसे फ्लिपकार्ट पे सेल के दौरान खरीदा, तो ये मुझे पड़ा है 1700 रुपये में। और यार एक धोखे वाली बात मेरे साथ में ये हुई है फ्लिपकार्ट की तरफ से कि मुझे ये प्रोडक्ट जो है बिल्कुल नया नहीं मिला है। यहाँ पर जो इसका बॉक्स था वो पहले आई थिंक किसी और के पास गया होगा, फिर वहाँ से उसने सेलर को रिटर्न किया और सेलर ने वही मुझे बेच दिया। तो अनबॉक्सिंग के टाइम पे मैंने देखा था बॉक्स पे डबल टेप वहाँ पे लगा हुआ था और साथ ही ऑक्स केबल इसके अंदर आता है जो कि मुझे नहीं मिला है। तो यार ये चीज़ मुझे थोड़ी सी बुरी लगी है कि अगर आपके पास में अच्छा प्रोडक्ट नहीं है तो आपको कस्टमर का वो प्रोडक्ट नहीं भेजना चाहिए, ऐसे में कस्टमर आपको बुरा फीडबैक देता है। तो यार फिलहाल के वीडियो में बस इतना ही था, हेडफोन काफ़ी अच्छा है, हेडफोन के साथ मुझे कोई शिकायत नहीं है, बस सेलर ने जो मेरे साथ में किया वो चीज़ मुझे थोड़ी अच्छी नहीं है। फिर से कहूँगा हेडफोन में कोई बुराई इस तरह की मुझे नहीं मिली है। और बस फिलहाल के वीडियो में इतना ही, देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कीजिए लाइक, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए अगर वो कोई हेडफोन खरीदने में इंटरेस्टेड है तो, नहीं है तो यार फिर भी कर दो, देख लेंगे एक बार कैसी चीज़ें होती हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट करके बिल्कुल भी बताना ना भूलें। साथ ही मैं मिलता हूँ आपसे आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।